रिजर्व बैंक की आज क्रेडिट पॉलिसी की घोषणा के साथ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती हुई है, लेकिन सीआरआर में कटौती नहीं हुई है। बैंकों ने अब कहा है कि फिलहाल ब्याज दरें नहीं घटाएंगे। पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि ब्याज दरों में कटौती होगी, यानी कि सीधे आपकी ईएमआई पर असर पड़ेगा, लेकिन बैंकों ने कहा है कि ब्याज दर नहीं घटाएंगे। बाजार में लिक्विडिटी की कमी है, पैसा कम है बाजार में, और पैसा कम होने का हवाला देकर अब बैंकों ने कहा है कि वो ईएमआई कम नहीं कर सकते, करवा सकते, यानी ब्याज दरें कम नहीं होंगी तो ईएमआई भी जो है आपकी कम नहीं होगी, क्योंकि लिक्विडिटी कम है, सर्कुलेशन जो है वो कम है पैसे का, इसलिए ईएमआई कम होने की उम्मीद नहीं। मयूर परीक और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। मयूर, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट में कटौती, लेकिन बैंक जो है इसका बेनिफिट अब नहीं देंगे ग्राहकों को। हाँ बिल्कुल सिद्धार्थ, उन्होंने साफ साफ यही कही है कि लिक्विडिटी पोजीशन उनकी बहुत टाइट है। पहले से ही बैंक आरबीआई से ये डिमांड कर रहा था कि आप सीआरआर कम कीजिए, सीआरआर यदि कम किया तो बाजार में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे जिससे लिक्विडिटी पोजीशन उनकी हल्की हो सकती है। लेकिन अब बैंकों ने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया है, चाहे सरकारी बैंक हो या निजी बैंक हो, कि वो लोन रेट्स कम करें या न करें इस बारे में बहुत ही सोच विचार कर आखिरी फैसला करेंगे। हाल फिलहाल में वो रेट कम नहीं करेंगे। इसका बड़ा कारण वो ये दिखा रहे हैं कि उनके पास इस समय पैसा नहीं है और सरकारी एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ नहीं रही है। यदि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और उन्हें पैसों का लाभ मिले तब वो जाके लोगों के लोन्स कम कर सकते हैं। तो बिल्कुल मतलब साफ है कि ये जो आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी के तहत रेट कम कर दिया है उसका सीधा सीधा लाभ अब कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा। तो सीआर कम न होने से बैंक निराश है, और इसी वजह से अब जो ये उम्मीद की जा रही थी कि ब्याज दरों में कटौती होगी, बैंक ऐसा नहीं कर पाएंगे। सीआरआर यानी कि वो पैसा जो बैंकों को रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, वो पैसा उसके ऊपर जो दर होती है वो कम नहीं करने की वजह से सिस्टम में पैसा कम है, लिक्विडिटी की कमी है, इस वजह से बैंक रेपो रेट में कटौती का बेनिफिट जो है या लाभ है वो ग्राहकों तक नहीं दे पाएंगे।